नमस्कार, आज आपका स्वागत है प्रीति कुशवाहा डिलीशियस रेसिपी में। आज मैं आपके साथ पाइन एप्पल केक स्पॉन्ज रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने अपना कुकर लिया है केक को बनाने के लिए, केक बेस को। मैं यहाँ कुकर में एक कटोरी नमक डाल लिया है। अगर आपके पास ये कटोरी है तो आप कटोरी से भी केक बेक कर सकते हैं, इसके अंदर आप प्रीहीट कर सकते हैं। मेरे पास ये रिंग है तो मैं ये रिंग रख रही हूँ। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए अपने कुकर को प्रीहीट कर लेती हूँ। तब तक हम अपना टीन रेडी कर लेते हैं जिसके अंदर हमें केक बनाना है। ये मैं अपने टीन में ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। मैदा डाल के अच्छे से इसको पूरा कोट करेंगे। देखिए ऐसे। ये हमारा अच्छे से कोट हो गया है, देख सकते हैं आप। केक टीन मेरा तैयार है। अब हम ऑयल ले लेते हैं, यानी कि वेट इंग्रेडिएंट। चलिए हम वेट इंग्रेडिएंट तैयार करते हैं अपना, जो हमें केक बनाने के लिए चाहिए। ये मैं ले रही हूँ 1/2 कप ऑयल। ये मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिक्स कर लेते हैं ऑयल के साथ अच्छे से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देखेंगे जब ये तीनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हमें इसमें मिल्क मेड ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मिल्क मेड है तो आप मिल्क पाउडर की जगह मिल्क मेड भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर में हमने जो लिया है 1 कप दूध। 1 कप दूध में से मैं कुछ मिल्क इसके अंदर 1/2 कप के आसपास मैं यूज कर रही हूँ। आप देखिए इसको अच्छे से लिक्विडी फॉर्म एंड फ्लफी करने के लिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम फ्लफी बनाएंगे ताकि हमारी जो चीनी है इसके अंदर वो अच्छे से घुल जाए। तो इसे हम मिक्स करते रहेंगे। इसके अंदर मैंने 2 बूंद येलो कलर ऐड किया है क्योंकि हम पाइनएप्पल स्पॉन्ज बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐड ना करें। और ये मैं ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून पाइनएप्पल एसेंस। आपके पास जो भी एसेंस हो आप वो ऐड कर सकते हैं, बट हम पाइनएप्पल बेस बना रहे हैं इसलिए मैं पाइनएप्पल एसेंस ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल स्मूथ एंड फ्लफी बैटर बनाने के लिए, ताकि हमारा केक स्पॉन्ज जो रेडी होगा वो एकदम सॉफ्ट होगा। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। ये हमने लिया है 1.5 कप मैदा, 2 टेबलस्पून अरारोट। आपके पास अरारोट हो तो आप अरारोट लें, नहीं तो आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। ¼ स्पून ये है बेकिंग सोडा, ये हम 1/4 स्पून लेंगे। 1.5 स्पून जो लेंगे 1/2 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून हम ले रहे हैं बेकिंग पाउडर। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। ये बहुत जरूरी है, ये स्टेप आप जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके केक में लम्स नहीं होते, लम्स नहीं जाएंगे। चलिए हम मिक्स कर लेते हैं लिक्विड में और ड्राई अपने इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। इनको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो इसमें लम्स नहीं आएंगे, अगर आप एकदम सारा मिलाएंगे तो लम्स पड़ सकते हैं। हम थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे प्लस थोड़ा सा मिल्क लेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं होंगे। आप देखिए अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। और हम अपने बैटर को बिल्कुल स्लोली स्लोली रेडी करेंगे, बिल्कुल भी हमें तेज तेज नहीं मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम तेज करेंगे तो इसमें जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है वो अपना असर कम कर देंगे। तो इसलिए हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि हमारा स्पॉन्ज अच्छे से बनके तैयार हो। ये जो बाकी का मिल्क था मैंने ऐड किया है, अभी थोड़ा सा मिल्क बचा है वो मैं अभी और आपको दिखाती हूँ कब ऐड करती हूँ। हमारा बैटर वैसे तैयार है बट इसमें थोड़ा सा और मिल्क मिलाऊंगी। अभी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है बैटर, ये हमने और मिल्क मिलाया है।
क्योंकि हमें अपने केक बेस को, जो हमारा केक का बैटर है, ये एकदम रिबन कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। अभी इसमें एक एक दो चम्मच के करीब और दूध मैं ऐड कर रही हूँ, जो मेरा बचा हुआ है। ये 1 कप मिल्क हमारा इसमें पूरा लग गया है। देखिए, हमारा बैटर रेडी होने वाला है। हमारा बैटर पूरी तरह से तैयार है। अब हमने जो पहले से अपना केक टिन ग्रीस करके रखा था, हम अपने बैटर को डाल लेते हैं। अपने बैटर को केक टिन में डाल लेते हैं। केक टिन को हम टैप करेंगे 2 से 3 बार। देखिए, हमारा कुकर प्रीहीट हो गया है, जो हमने पहले से ही रख दिया था तैयार करके। अब हम अपने केक, जो हमने बैटर बनाया है, हम केक इसके अंदर रखते हैं बेक होने के लिए। इसको हम 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे, और बीच में बिल्कुल भी ढक्कन नहीं हटाना है। 40 मिनट के बाद आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपका केक बेक ना हो तो आप 5 मिनट के लिए और रख सकते हैं। ये मैं आटा लगा के इसका होल बंद कर देती हूँ, ताकि हमारे केक की जो एयर है अंदर की, जो कुकर की, वो वेस्ट ना हो, जल्दी से हमारा केक बेक हो। अब देखते हैं हमारा केक बेक हुआ कि नहीं 40 मिनट के बाद। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर आई है स्टिक, केक हमारा रेडी है। हम अपने केक बेस को थोड़ी देर 3-4 मिनट के लिए कुकर में ही रहने देंगे। और अब हमारे 3-4 मिनट हो गए हैं, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप, केक कितना अच्छा बना है। केक बेस को हम किसी भी कॉटन कपड़े से ढककर रख देंगे, जब तक केक हमारा ठंडा हो जाए। देखिए, ठंडा हो गया है केक हमारा। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। कभी भी गर्म केक को हमें डीमोल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से निकल नहीं पाता है। ठंडा होने के बाद ही केक को निकालना चाहिए। ये देखते हैं, वाव, कितना अच्छा केक हमारा रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, हम आपको केक कट करके दिखाते हैं। वाव, कितना सॉफ्ट, बिल्कुल रुई की तरह है ना, कितना स्पॉन्जी। तो आप भी ये ट्राई करिए, और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका केक कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।